हमारी इसमें बस यही मांग है जो फकरू भाई ने बताई, पहला जो बच्चों की शिक्षा का खर्चा है उनको सारा राजस्थान सरकार उठाए, दूसरी 50 लाख जो मुआवजे की राशि है जो उदयपुर हत्याकांड में इन्होंने दिए वो भी इस परिवार को दी जाए, और तीसरा किसी घर में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए, और जो भी मुजरिम अभी तक इसमें गिरफ्तार नहीं है, 8 लोग बताए जा रहे हैं जिसमें से सिर्फ 2 गिरफ्तार किए हैं, और सर समाज हमारे साथ है, हमारे मीणा भाई भी हैं, कहाँ चले गए वो, पटेल साहब भी हैं, सर समाज हमारे साथ है, तो बस हमारी यही मांगे हैं जो ये नफरती लोग, चंद लोग जो भाईचारे को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं उनको बस हमारी यही उस भाईचारे के हिसाब से यही चेतावनी है, आप सुधर जाएं। अगर हमारी मांगे ये नहीं सुनी गई तो हमारा अगला प्रदर्शन जिला कलेक्टर अलवर होगा। एक ज्ञापन देने के लिए आए हैं और हमने में वार्डिंग से शांतिपूर्वक रैली निकालकर अपना गुस्सा जाहिर किया है, क्योंकि ये गुस्सा है, क्योंकि पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं मैं देखता हूं और कोशिश भी करता हूं कि कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन अपनी ईमानदारी पूर्वक इसमें तफ्तीश और तहकीकात नहीं कर पा रही, क्योंकि इसमें 8 मुलजिम बनते हैं, 2 मुलजिम पकड़े गए लेकिन उनका आज तक मोबाइल जब्त नहीं किया गया, जिससे कि और षड्यंत्रकारियों का पता लग सके कि किस किस का हाथ है, किस किस से बातें होती थी, न तो मृतक का न मतलब मुलजिम साइडों का। तो मैं यही मांग करता हूं SDM साहब के समक्ष कि उसके द्वारा CM अशोक गहलोत, हमारी जो बेटी है वो बालिग होने वाली है, उसकी शादी का सारा खर्चा उठाए सरकार, और उनके आश्रित जो भी बच्चे हैं उनको जब तक वो बालिग ना हो जाए उनकी शिक्षा स्वास्थ्य के सारा खर्चा हमारी सरकार उठाए, 50 लाख रुपए उसकी आर्थिक मदद करे उस परिवार की, क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है, बेरोजगार हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, और एक उनके परिजनों को आश्रितों को एक नौकरी दी जाए उस तर्ज पर जैसे उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या की गई थी, हमें बड़ा दुख हुआ, उनको जो सुविधाएं मुहैया कराई सरकार ने वही पैटर्न यहाँ पर अपनाए। इतना में मल्ला कबास वाले हैं, उनकी निर्मम हत्या की गई है, उसको लेकर आज हमारे सारे मल्ला कबास वासी जो इर्द गिर्द के जो सारे गांव हैं, वो बुजुर्ग लोग जवान साथी सब आए हैं, और हमने हमारी मांग को गांधीवादी तरीके से प्रशासन सामने रखा है। SDM साहब ने हमें तुरंत प्रभाव से ये आश्वासन दिया है, जिस तरह की बात हमने रखी कि मौसम भाई के आश्रित के एक परिवार में से सदस्य को किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, दूसरा पॉइंट हमारा ये था उनको 50 लाख का मुआवजा दिया जाए, तीसरा हमारा ये है कि उनको राजस्थान सरकार बच्चों की पढ़ाई का और शादी का खर्चा उठाए, और जो जितने भी मुलजिम हैं उनके मोबाइल को जब्त करके उच्च अधिकारियों से उसकी जांच कराई जाए, ये हमारी कुछ मांगे हैं। इन मांगों को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया है, हमारे बहुत सारे साथी आए हैं ज्ञापन देने के लिए। अगर प्रशासन ने हमारी इस बात को अच्छे से गौर नहीं किया और ध्यान नहीं दिया तो हम जिले लेवल पर चाहे हमें भूख हड़ताल पर आंदोलन करना पड़े, हम पूरे कानूनी तौर पर हम हमारी हक की लड़ाई लड़ेंगे। हमारी मांग जो कि हमारे पंचायत के गांव मल्ला के पास में भाई मूसा खान को जिस तरीके से ये जो जघन्य हत्याकांड हुआ है उसमें हम संतुष्ट नहीं हैं, जो भी पुलिस ने जो भी जांच करके दी है उससे पूरा इलाका क्या जो भी किसी भी धर्म का है सारे संतुष्ट नहीं है। हमें आज तक ये भी पता नहीं चला है कि आखिर मूसा भाई का कत्ल क्यों किया था, मौसम खान का क्यों किया था, कैसे किया था, क्या उससे बरामद की है पुलिस ने, अभी तक नहीं तो परिवार वाले नहीं सभी ग्रामवासी पंचायत के कोई भी इस जांच से संतुष्ट नहीं है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, मौसम के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो, जिंदाबाद, 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 हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। सब पूरा गांव मेरे 36 बरादरी का, पूरे हिंदू मुस्लिम एक साथ हैं, और जिस हिसाब से पुलिस प्रशासन की लापरवाही इस केस में बरती है उस हिसाब से हम तो संतुष्ट नहीं है। मैं राज्य सरकार से यही मांग करूंगा कि इसमें तुरंत एक्शन लिया जाए, और सबसे पहले मुद्दा हमारा यही है कि इसमें मुलजिमों का बैकग्राउंड चेक किया जाए, इसके पीछे के पर्दे के पीछे कौन है, और मोबाइल अभी तक मोबाइल नहीं मिला, चाहे तो उसकी 24 घंटा में जांच हो सकती है, जबकि 8 दिन होगा अभी तक DNA की रिपोर्ट नहीं आई,
बाकी इनके बैकग्राउंड चेक होंगे। इतनी बड़ी हत्या को जघन्य अपराध जो 100 टुकड़ों में तबलीत करके और उसको जलाया गया है, तो दो आदमियों की बस की नहीं है। ये इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दो आदमी नहीं दे सकते हैं, ये सब जानते हैं। इसके पीछे कोई अलग राज निकलेगा, तो मेरी सरकार से यही मांग है तुरंत इसमें एक्शन लिया जाए और पीड़ित परिवार को उचित से उचित मुआवजे दिया जाए, जैसे भी और केसों में देते आए माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बच्चे हैं देखो, वो तो मरने वाला, तो वापसी नहीं आएगा। सब महीना दो महीना छह महीना में देखो कोई किसी को नहीं देता। उसके बच्चों की पढ़ाई लिखा कर राज्य सरकार खर्चा दे, और एक जो भी सरकारी नौकरी छोटी मोटी उसकी फैमिली को या उसकी वाइफ को एक नौकरी दी जाए। ये चलता है यार, ये हम देखते आए, तो हमारी यही मांग है। अगर इस मांगों को हमारी को नहीं सुनेंगे तो हम बहुत अलग से रूप लेंगे, हम आगे तक भी लड़ाई लड़ेंगे। तो हम इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमारा हक की लड़ाई, अगर हमको इंसाफ नहीं मिलेगा फिर हम कहां जाएंगे बताओ। पुलिस से मेरे कई सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि मारने वाले के आदमी हैं, अगर पुलिस ये कहती है कि सोहन उसका मारने वाला है, और वो क्या नाम है उसका, रमेश क्या है वो, दिल्ली वाला नरेश इसमें शामिल नहीं है, तो ये बात भी गले नहीं उतरती। और पुलिस का कहना यह है कि उसके एक बाजू को काटा पहले, फिर दूसरे बाजू को काटा, फिर एक जांग को काटा, फिर दूसरी जांग को काटा, फिर गर्दन को काटा, तो कई टुकड़े हो गए, छह टुकड़े हो गए ने। एक आदमी, अकेला आदमी एक आदमी के छह टुकड़े कर दे, ये बात भी समझ में नहीं आती है जी। और फिर ये बात भी समझ में नहीं आती कि पुलिस ये कहती है कि साहब उसने तंत्र मंत्र से उसके बच्चों को मार दिया। इसी विज्ञान के युग में कौन आदमी इस पे यकीन करेगा कि तंत्र मंत्र से कोई आदमी किसी को मार सकता है। वो सारी चीजें वैसे ही फेल हुई पड़ी हैं, तो ये बात भी समझ में नहीं आ रही। तो इसके पीछे कारण क्या है जिस कारण की वजह से इसको मारने की नौबत आई। अच्छा, और अगली चीज ये है कि ये जो है उसकी सोहन का मोबाइल कहाँ है, उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, उसके मोबाइल पे किस किस के फोन आए हैं उस दिन, और वो नरेश जब दिल्ली से चला है तो दिल्ली से चला तो किस किस से उसने बात की है, कौन कौन से उसने, कहाँ कहाँ उसने किसी को टाइम दिया है, वो उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, और ये मौसम का मोबाइल कहाँ है और उसकी कॉल डिटेल कहाँ है, ये सारी चीजों का जो है ब्यौरा पुलिस को देना चाहिए। और ये जो है हमने जब वहाँ नासिर जुनेद की तीन चार दिन में जो है वो जांच आ गई थी, और आज कितने दिन हो गए आज तक जांच नहीं आई, और वो जो अवशेष हैं उसके मौसम के जो अवशेष हैं वो हमें मिलने चाहिए, ताकि हम उनको सम्मान के साथ दफन करें। भाई जो भी कुछ बचा है उसको तो हम सम्मान के साथ दफन करें, तो वही हमें आज तक नहीं मिला है, तो आखिर कब तक पुलिस उसको अपने पास जमा करके रखेगी। तो ये चीजें हमारे जहन में हैं, इन और बाकी और बहुत सारी मांगे आपको दे दी हैं हमने, जो है एसडीएम साहब को भी सुना दिया है सारी बातें, पुलिस को भी सुना दी है, और हम आपके जरिए से पूरे मुल्क में इस आवाज को सब एक है, हम सब एक है, मौसम भाई के हत्यारों को फांसी दो, 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 फांसी दो, मौसम भाई शर्मिंदा है, तेरा कातला भी जिंदा है, तेरा कातला भी जिंदा है, पूरी कराओ, पूरी कराओ, पूरी कराओ, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। दोस्तों यदि आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि इस वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए।